उम्मीद संस्था की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो उम्मीद संस्था में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर विमलेश शुक्ला एवं वरिष्ठ समाजसेवी शशि शाह उपस्थित रहीं। दीक्षा शर्मा, सुप्रीत सिंह, एकता गुप्ता, भावना सैनी, शिवानी राही, मनीषा सैनी, अंकित सिंह, इंद्र खन्ना, दिशा, मीनाक्षी कश्यप, परी, शशांक द्विवेदी आदि को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के बच्चों द्वारा सामूहिक प्रार्थना से की गई। डॉक्टर विशेष गुप्ता ने बच्चों को जीवन में शिक्षा एवं शिक्षक के महत्व को बताया। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ इसलिए कि शिल्पी सैनी जी की संस्था के विषय में सोशल मीडिया पर भी वैसे भी देखता था, पढ़ता और इनके काम की मैं सराहना करता था। कई बार इनका मैसेज आया, मैं आयोग का चेयरमैन था, कभी उस समय इन्होंने दिखाने का प्रयास नहीं किया कि मैं कुछ और भी बेहतर तरीके से शासन स्तर से या प्रशासन स्तर से करने की क्षमता रखता था। लेकिन आपने जो काम किया है इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। कभी बात नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे भी हमारे श्रोता हैं। सबसे पहली बात, शिक्षक दिवस है और शिक्षक इस पूरे समाज के, राष्ट्र के निर्माण की एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है, एक स्तंभ है, क्योंकि जिस पुस्तकों के माध्यम से शिक्षक ज्ञान देता है या अपने व्यवहार से ज्ञान देता है वो हमें अतीत से मिलता है, अपने पूर्वजों के द्वारा कहे गए शब्दों से, लिखी गई पुस्तकों से मिलता है। छात्र हमारे वर्तमान होते हैं, पुस्तकें, शिक्षक और छात्र त्रिपक्षीय संगम मिलकर एक अच्छे भविष्य के निर्माण की संकल्पनाएं पैदा करते हैं, संभावनाएं पैदा करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं देश के लिए, राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, या नक्शे पर आप भारत का नक्शा देखते हो केवल कुछ राज्यों के मिल जाने से राष्ट्र नहीं होता, कोई भी देश वहां के रहने वाले बनाते, वहां के मूल्य संस्कार बनाते, और जो देश को अपनी मां मानते हैं उसके सम्मान को अपना सम्मान मानते हैं, उसको अपमान को अपना अपमान मानते हैं। ऐसे जो भी व्यक्ति इस देश में रहते हैं वो सब भारतवासी हैं, इस देश के रहने वाले हैं, राष्ट्र के नागरिक हैं। इसकी संकल्पनाएं हम इस शिक्षा के माध्यम से तैयार करते हैं। इसके केंद्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक व्यक्तित्व है जो शिक्षक से लेकर राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर रहे, यानी एक शिक्षक भी सामान्य शिक्षक भी शिक्षा के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपने समर्पण के माध्यम से, अपने छात्रों के सहयोग के माध्यम से, अपने लिखने के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जो कुछ भी अभिव्यक्त करता है, जो कुछ भी रचना करता है, जो कुछ भी क्रिएट करता है वो शिक्षक। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सदस्य कुशाग्र तथा आभार अध्यक्षा शिल्पी सैनी ने व्यक्त किया। इस दौरान संस्था के बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं, जिसको सभी ने बेहद सराहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेश कुमारी प्रजापति, राकेश सैनी, ऋतिका गोला, अश्विनी सैनी आदि का सहयोग रहा। आज उम्मीद संस्था की ओर से लाइनपा प्रगति बिहार में हमने शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारी संस्था में जो 6 शाखाएं हैं जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, उस शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी शिक्षकों का योगदान रहता है, जैसे कि कुछ टीचर्स सिलाई सिखाते हैं, कुछ मेहंदी, कुछ ब्यूटिशियन और कुछ पढ़ाने का काम करते हैं, तो उन सभी को आज सम्मानित करने का हमने कार्यक्रम किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस समस्या? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा एक सर्वश्रेष्ठ दान है, जितना आप देंगे उतना ही आप बढ़ेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप, जरूरी नहीं कि हमारे ही माध्यम से, और भी बहुत से माध्यम होते हैं जो वंचित हैं शिक्षा से, उनको शिक्षा की ओर ले जाएं और जो कुछ सीखना चाहते हैं उन्हें कुछ सिखाने का प्रयास करें। और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।